हेलो दोस्तों, रितु किचन में आपका स्वागत है। होली आने वाली है इसलिए हम दही बल्लों की तैयारियां करेंगे। आज हम चटनियां बनाएंगे, हरी चटनी और मीठी चटनी इमली की। ये आधा चम्मच काला नमक है, आज आधा चम्मच वाइट नमक है। ये अगर और मगज के बीज है, आधी कटोरी से भी कम। ये गरम मसाला है, ये किशमिश है और खजूर को बारीक काट लिया हमने। ये 2 कटोरी गुड़ है 250 ग्राम, और ये 100 ग्राम इमली है जिसका हमने पल्प निकाल लिया। इसको 2 घंटे पहले गुनगुने पानी में भिगो दिया था हमने, और इसे छन्नी में छान के इसका पल्प निकाल लिया है। और ये आधा चम्मच लाल मिर्चे हैं और आधा चम्मच ये रंग वाली मिर्चे हैं। ये गरम मसाला है, इसमें भुना हुआ जीरा है। ये तो है इमली की खट्टी मीठी चटनी। और ये हरा धनिया है, इसमें 4 हमने हरी मिर्चें डाल रखी हैं। ये चाट मसाला है, ये 10-12 कलियाँ लहसुन की है, वो 1 कटोरी दही है। इसकी हम बनाएंगे हरी चटनी। कढ़ाई हमारी हल्की गर्म हो चुकी है, इसमें इमली का पल्प डालेंगे। एक गिलास पानी डालेंगे, जो हमने पल्प निकाला था उसी में इमली को छान के हमने इसका पानी निकाल लिया है। इसी के अंदर गुड़ डालेंगे और इसे चलाएंगे, गुड़ अच्छी तरह घुल जाए हमारा। गुड़ हमारा पिघल चुका है अच्छी तरह। इसमें मसाले मिलाएंगे, 2 चम्मच हम सॉल्ट डालेंगे इसमें, आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, चलाएंगे इसे अच्छी तरह। देखिए मसालों को मिला दिया हमने अच्छी तरह। इसमें खजूर और ये किशमिश डालेंगे जिसमें से अच्छी तरह फ्लेवर आएगा इसका, और इसे चलाएंगे अभी अच्छी तरह। एक चम्मच इसमें हमने अरारोट मिलाया है, इसको भी डालेंगे इसी में। चलाएंगे इसे, अरारोट आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। भुना हुआ जीरा डालेंगे इसमें, जो पहले हम भूल गए थे डालना। देखिए चटनी हमारी बन के तैयार है। इसमें हमने अरारोट मिलाया था 1 चम्मच, इससे ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। गैस को बंद करेंगे हम। इसमें हम अगर और मगज के बीज मिलाएंगे, इनको हमने तवे में भून लिया था। देखिए चटनी हमारी बनके तैयार है। इमली की चटनी बना ली है हमने, अब हरे धनिया की बनाएंगे हम। ये मिर्ची और हरा धनिया इसमें डालेंगे मिक्सी के अंदर। लहसुन डालेंगे, अगर आप लहसुन ना खाते तो नहीं डालें। चाट मसाला डालेंगे, काला नमक और सफेद नमक डालेंगे इसमें। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। 1 कटोरी दही डालेंगे। ये खट्टा दही लिया है हमने ताकि हमारी चटनी खट्टी बने। इसे मिक्सी में पीसेंगे हम। देखिए हरे धनिया की चटनी बनके तैयार है हमारी, इस तरीके से गाढ़ी। अगर आप पानी डालना चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, आधी कटोरी।
अब हम बल्ले का मसाला बनाएंगे। चटनियाँ हमारी दोनों तैयार है। ये हम बल्लों का मसाला बनाएंगे। ये 5-6 हमने लाल मिर्चें ली हैं। ये 2 चम्मच जीरा पाउडर, वो जीरा लिया है साबुत हमने। 2 इलायची ली है हरी, और ये 2 लौंग लिए हमने। ये 1 चम्मच हमने धनिया लिया है। ये आधा चम्मच हमने अजवाइन लिया है, और ये धनिए से कम हमने काली मिर्च ली है। इसको हम रोस्ट करेंगे। इसमें पैन हमारा गरम हो चुका है, इसमें इसको गरम करेंगे। एक इसमें हम काली इलायची डालेंगे बड़ी वाली। मसालों को हमने भून लिया अच्छी तरह। इसमें आधा चम्मच हम काला नमक मिलाएंगे, आधा चम्मच हम व्हाइट नमक मिलाएंगे। अभी इसे हम मिक्सी में पीसेंगे। देखिए ये मिक्सी में भर लिए हमने मसाले, इन्हें पीसेंगे अब। देखिए बल्ले का मसाला बनके तैयार है हमारा। दही बल्ले की चटनी हमारी बनके तैयार है। ये इमली की चटनी है, ये हरे धनिए की, ये बल्लों का मसाला है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। थैंक यू।